इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने महू इंदौर रतलाम डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गुरुवार को चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना किया। इस दौरान सांसद लालवानी ने मीडिया से चर्चा कर ट्रेन के बारे में जानकारी दी। कोरोना काल का प्रकोप कम पड़ते ही इंदौर शहर से परिवहन के संसाधनों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जहाँ विभिन्न शहरों के लिए इंदौर से बसें शुरू हो चुकी हैं, तो वहीं अब रेलगाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को सांसद शंकर लालवानी ने जहां गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, इस दौरान सांसद ट्रेन के पैसेंजर डिब्बों के अंदर पहुंचकर यात्रियों से बात की और ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। तो वहीं ट्रेन के इंजन के स्टेयरिंग पर बैठकर ट्रेन चलाने की प्रक्रिया भी जानी। इंदौर से देवेंद्र खन्ना की रिपोर्ट। उर्दू में लिखी पट्टिका को लेकर विरोध चल रहा है उज्जैन में, क्या कहेंगे? देखिए, आप देखिए कि वहाँ पर उर्दू पढ़ने वाले कितने हैं, उससे ज़्यादा तो अन्य भाषा पढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है जहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उसको प्रमोट मिलना चाहिए। हमने की चूँकि लिंक ट्रेन बीच में बंद हो गई थी, अब चालू होने की बात ध्यान में आई है। हमने रेल मंत्री को पूर्व में मैंने पत्र दिया था इंदौर जयपुर लिंक ट्रेन के लिए। अब अगले सप्ताह से फिर सेशन चालू हो रहा है, सोमवार से बजट सेशन हमारा जो बचा हुआ था लोकसभा का चालू हो रहा है। मैं उस सोमवार मंगलवार को रेल मंत्री से मिलकर लिंक ट्रेन के लिए बात करूँगा। लगभग मुझे लगता है कि पिछले मार्च में ट्रेन ये बंद हुई थी और मार्च के बाद अब वापस मार्च में ये ट्रेन प्रारंभ हुई है। और ख़ास बात ये कि ये वाया फतेहाबाद जो कि शॉर्टेड रूट है यहाँ से रतलाम, लगभग 2.5 घंटे में रतलाम पहुँचेगी। हम तो बस और कार से भी नहीं पहुँच सकते 2.5 घंटे, और उसकी टिकट भी कम है, 30 रुपये में, बहुत नॉमिनल टिकट है, अनरिजर्व है, जो टिकट लेगा सीधे बैठ सकता है। आज हमने पैसेंजरों से भी बात की, वो बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उनमें से कुछ माता बहनों ने कहा कि हम जब बस में आते थे तो 140 रुपये और 160 रुपये के बीच में बसों में लगता था, लेकिन एक बस की सीट पर हम 3-3, 4-4 लोग बैठ के आते थे तो कोविड के कारण डर भी लगता था। इसमें कम से कम उनको पूरी सुविधा मिल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं और सुविधा ग्रह के साथ वो आराम से वो जा रहे हैं, तो प्रसन्न थे। मुझे लगता है कि हम लंबे समय से मांग कर रहे थे कि इस ट्रेन को चालू किया जाए, रेलवे मंत्रालय ने चालू की और अनरिजर्व अब हुई है। पहले कुछ दिनों में ये रिजर्वेशन के साथ चल रही थी, लेकिन आज आम व्यक्ति खुश है क्योंकि आम व्यक्तियों के लिए छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकेगी, लक्ष्मीबाई नगर है, फतेहाबाद है, आगे भी रुकेगी। तो वो सभी ग्रामीण के लोग जिनको शहर में इंदौर में हो, रतलाम में हो, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रतलाम में मेन ट्रक से बम्बई दिल्ली जाना हो, उनके लिए भी नागदा के लिए चित्तौड़ तक ये गाड़ी आगे एक्सप्रेस होके जाएगी, यानी रतलाम के बाद वो चित्तौड़ जाएगी तो एक्सप्रेस होके जाएगी। तो ये अच्छी सुविधा है। और बहुत सारे मुझे व्यापारी संगठन खास करके मिले थे, उनका कहना था खास करके मार्केट वाले, सराफा वाले और किराना वाले, कि हमारे इस रूट पर व्यापारी बहुत हैं ग्रामीण में भी, और चाहे राजस्थान चित्तौड़ वाला जो रूट है इसमें भी हमारे पास बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो यहाँ इंदौर में ख़रीदी करने आते हैं। तो वो सभी लोगों के लिए अच्छी सुविधा है। मुझे लगता है मैं रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।